हाँ पता है पता है, पुराने पुराने बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस जो भी पठान के मेरे, वो आइकॉनिक वीडियोस बन रहे हैं अभी, वो आइकॉन उसमें भी कमेंट्स सारे बढ़ने चालू हो गए। पता है मैंने देखा है, तीन वीडियो तीनों वायरल हो रहे हैं, पुराने वीडियोस वो बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस ऑफ पठान, 500 करोड़, 500 करोड़, तीनों में बोला है मैंने देखा है 500 करोड़, 70 करोड़ का ओपनिंग। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 मिनट मैं डर जाता हूँ कि कोई काला जादू तो नहीं करता हूँ मैं, रात को मेरा दूसरा वर्जन आ जाता होगा, अंबी का तरह, अंबी अंबी हल, मैं अभी अंबी हूँ तो रात को अपरिचित बन जाता हूँ, ऐसा लग रहा था, फील आ रहा था। तो क्या रहा है, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस के बारे में पूछ रहे थे बहुत लोग कि जवान का बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस बताओ भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे उन लोगों को क्लियर किया है मैंने ऑलरेडी कि टाइम बहुत अर्ली है एज़ कम्पेयर टू, मतलब देखा जाए सिचुएशन, लेकिन स्टिल मेरे को अभी भी पता है 90 दिन बचे हुए फिल्म के, एंड जो कंडीशंस अभी है, अभी जो स्टारडम, अभी जो स्टैंडर्ड्स, हाई लेवल स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, हाई लेवल कलेक्शंस करने का जो मॉन्स्ट्रस टाइमिंग चल रहा है, फेस चल रहा है, तो उस हिसाब से नंबर निकाल के एनालाइज करके देता हूँ, क्या पता अभी ये वीडियो भी फ्यूचर यूज हो। तो परफेक्टली एक जेन्युइन नंबर्स के साथ मैं बोलता हूँ, जेन्युइन, किसी को खटको नहीं खटको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्सनली डंकी जो है वो तो मेरी ड्रीम फिल्म है, बिकॉज मेरे ड्रीम कॉम्बो है राजकुमार ईरानी एंड शाहरुख खान। बट कंसिडरिंग फिल्म्स, सिर्फ फिल्म पे जाओ, सिर्फ फिल्म पे जाओ, पठान, जवान एंड डंकी, सिर्फ फिल्म पे, मेकर्स निर्माता के तरफ नहीं, सिर्फ फिल्म में जाओ, तो जवान मेरी पर्सनल फेवरेट है। पर्सनल फेवरेट क्यों है सबको पता है, और ऐसे ऐसे चीज़ें ब्रेक किया था मैंने जवान का, वो बीजीएम वो तो आज भी याद होगा, एंड बहुत पर्सनल फेवरेट फिल्म है ये। एंड अभी जो एक्शन सीक्वेंस, ओ भाई उस जिस दिन वो एक्शन सीक्वेंस आएगा ना, उस दिन तो छपरी जो फेक शाहरुख खान फैंस बन के घूम रहे हैं ना, इनका तो उस दिन बारात निकलने वाला है। वो जो पूरा एक्शन सीक्वेंस मैंने जो डिटेलिंग में एक्सप्लेन किया, वो सब जगह पे ट्रेंड हुआ पड़ा है। ये लोग बहुत मजाक बनाया है उस चीज़ का कि इसको पता नहीं, गोद में बैठा के शाहरुख खान दिखाता है सब कुछ, इसको पूरी दुनिया को नहीं मालूम, इसको पता है शाहरुख खान व्हाइट एंड सॉल्ट पेपर लुक में आ रहा है, बेल्ट से मार रहा है, क्या क्या सपना में देख के आके बताता, कुछ भी बक रहे हैं ये लोग। लेकिन जिस दिन आएगा, मैं तो उस दिन का वेट कर रहा हूँ। ये गंदगी, ये जो बीमारी है, ये ट्विटर से फैल के इंस्टाग्राम तक भी आ रही है, मेरी इंस्टाग्राम तक भी आ रही है, छी 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 छी, जल रही है बस, और कुछ नहीं, जलन है। खैर सब बात को साइड करो, कमिंग टू द पॉइंट ऑफ बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस ऑफ जवान, भाई ये फिल्म क्या सीन है, पठान का स्टैंडर्ड एक तो बहुत ज़्यादा हाई है, और उसको कंसिडर करा जाए और स्टारडम फिलहाल जो चल रही है उसको कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये तो 3 दिन सिर्फ, ये 5 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है, 3 दिन है, पोस्ट आईपीएल है, तो मतलब अभी 1.5-2 महीने के लिए कोई बड़ी फिल्म पब्लिक थिएटर में पैसे खर्च करके देखने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं है। मेरे को लग रहा है कि पठान से लेके जवान के बीच में कोई पिक्चर है जिसमें पब्लिक ने पैसा खर्च किया हो, ऐसा कोई पिक्चर नहीं आने वाला है एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है। तो पब्लिक टूटेगी थिएटर में, टूट पड़ेगी थिएटर में, लिख के देता हूँ, टूट पड़ेगी। और अटली अन्ना का एक्सपीरियंस बहुत सालों, दोनों अपन दोनों सेम कॉलेज से ही है, बहुत सालों से एक्सपीरियंस है, क्या फिल्म, कैसी फिल्म, किधर कॉपी पेस्ट, क्या जो सब कुछ रॉन्ग राइट सब कुछ, तो उसको अगर एनालाइज किया जाए ना, हिंदुस्तान की जो सबसे फेवरेट फ्लेवर्ड ऑफ द फिल्म है, फेवरेट फ्लेवर मसाला फैमिली मास एंटरटेनर, पूरा का पैकेज है जवान, पूरा का पैकेज, तो उसको कंसिडर करो। और साउथ के अंदर में वो फिल्म अगर एकदम डेडलीस्ट प्रमोट होती है, डेडलीस्ट लेवल पे प्रमोट होती है, वाड़ू लेवल पे प्रमोट होती है, तो फिल्म पहले दिन अपना कलेक्शंस, वो फिल्म 60 करोड़ की ओपनिंग लेने वाली है, 55 से 60 करोड़ साइन सील एंड डन, 55 to 60 करोड़। और साउथ से नंबर्स पहले दिन ही अगर बढ़ने चालू हो गए तो पहला दिन ये फिल्म 65 to 70 करोड़ कर डाली है, पूरा ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस मेरे को लग रहा है 60 करोड़ इस फिल्म का पहले दिन तय, साइन सील एंड डन पहले दिन। दूसरे दिन नंबर्स और बढ़ेंगे, वो तो 70 जाएंगे ऑब्वियसली, 70, 70, 75 भी जा सकते हैं भाई, ये तो 75 भी क्रॉस कर देगी। फिर तीसरे दिन वो तो फिर एक और माइलस्टोन भी खुलेगी, हाईएस्ट इंडिविजुअल का एक नया माइलस्टोन खोलेगी, तो वो भी हो सकता है इस फिल्म के साथ।
लेकिन जो इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शंस है, लाइफ टाइम कलेक्शंस डिपेंड करता है कि फिल्म कितना बज क्रिएट करती है, क्योंकि शाहरुख खान की दूसरी फिल्म ज़रूर है जो 400 करोड़ के अंदर एंट्री मारी गई, बॉलीवुड की दूसरी फिल्म एंड शाहरुख खान की भी दूसरी फिल्म जो 400 करोड़ क्लब के अंदर एंट्री मारेगी, श्योर एंड श्योर शॉट मारने वाली है ये फिल्म। मैं ऑल इंडिया नेट कलेक्शंस, सिर्फ इंडियन सिनेमा के नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, और अगर तमिल में एंड साउथ मतलब जो बेल्ट के अंदर ये फिल्म क्लिक हो जाती है, वहाँ से 70, 75, 80 निकाल देती है, तो ये दूसरी फिल्म बन जाएगी जो 500 करोड़ के अंदर एंट्री मारेगी, दूसरी फिल्म 500 के अंदर एंट्री मारने वाली, दूसरी फिल्म 400 के एंट्री मारने वाली, श्योर एंड श्योर शॉट है। क्योंकि जो सीक्वेंस मैंने देखे है जवान के, भाई वो सीन ही मतलब पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। मैं जब मैं देख रहा था उसको, विजुलाइज कर रहा था उसके, और जो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो हाई ऑक्टेन पिच में चल रहा था, हाई पिच में चल रहा था वो बैकग्राउंड म्यूजिक, और पूरा शाहरुख खान ही दूसरा शाहरुख खान है, ये पूरा अलग ही मॉडल वाला है, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, पूरे सफ़ेद लंबे लंबे बाल, सफ़ेद बाल पूरा मास लुक एकदम, बेल्ट मार रहा है, उठा के फेंक रहा है, उड़ा रहा है सबको, मार रहा है सिर्फ मार रहा है। वो सीक्वेंस देखकर मतलब होश उड़ जाए, इसलिए ये लोग ट्विटर के छपरी लोग जल जल के राख हो जाते। एक तो इनको चाहिए अटेंशन जो मिलता नहीं इनको, दूसरी चीज़ है उनको वो नहीं मिलता जो मुझे मिलता है, जो मैं देख लेता हूँ, जलती है कि मैं क्यों नहीं, मतलब हम लोग तो ट्विटर के एकदम सुपरस्टार कूल लोग हैं, कूल लोग हैं, हम लोग एसआरकेएंस के बाप है सोचते हैं ना ये लोग, इनका यही परसेप्शन है। मैं सच बताता हूँ, फेसबुक में भी इनका यही परसेप्शन, हम एसआरकेएंस के बाप है, सबसे बड़े बाप हम लोग है। एक ट्विटर में 6-7 लोग है, एक 11,000 फॉलोअर वाला एक है, एक और है उसका नाम मेरे को पता नहीं, 20,000 की 22,000 कुछ फॉलोअर है, ये लोग पूरा ग्रुप है एक। खैर कोई बात नहीं, तो मेरा प्रेडिक्शंस ये फिल्म के लिए यही है, ये फिल्म 400-500 करेगी, और अगर एट बेस्ट सिनेरियो साउथ में क्लिक करती है फिल्म, क्लिक कर देगी 100% साउथ के अंदर नंबर्स निकाल जाती है, नया क्लब खोल सकती है, नया क्लब ये फिल्म खोल डालेगी। 400 करोड़ रुपया नेट कलेक्शंस, बेसिक नंबर्स पकड़ कर चलो, प्रमोशन के मामले में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का जवाब नहीं। हाँ वो लोग हकते का हैं, वो लोग हकते रिलीज डेट को लेकर ही हकते, बस प्रमोशन के मामले में टक्कर नहीं है उनका। अगर वही तरीके से प्रमोशन हुआ, ग्रेट, ये फिल्म ब्लास्ट होने वाली है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखो। कुछ और सीक्वेंस भी देखा हूँ मैंने, बताऊँगा नहीं, कुछ और एक भारी भारी वाला सीक्वेंस देखा है, लेकिन वो बिल्कुल मैं मतलब डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ, वो मैं तब डिस्क्लोज करूँगा जब जवान का टीज़र आएगा, जब जवान का कुछ भी आएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप है। इतना ज़्यादा दे दूंगा ना, पब्लिक सच में नहीं बिलीव करेगी, ये कोई या तो जादूगर है या तो कोई चूतिया है, यही बोलेगी, या तो कोई पगला मेंटल है या तो कोई जादूगर है, यही दो चीज़ बोलेगी पब्लिक। इसलिए मेरे को बतानी नहीं है दूसरी फिल्म कौन सी है, वक्त आने पर जब सब कुछ प्रूफ होगा, पब्लिक के सामने आएगा सीक्वेंस, और भाई सेम टू सेम बोला सब आएगा, तब मैं बताऊंगा दूसरा सीक्वेंस, दूसरा चीज़ किस फिल्म के बारे में देखा और क्या देखा है।